हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 10, तो थोड़ा बहुत हमने लेट होके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि गाइस रमज़ान अल मुबारक का पहला दिन जो है आज, और आज एक सहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हूँ। आप मैं ऐसा बता सकता हूँ रोज़ा हूँ बेशक। रोज़ा रोके क्या है करना है, बस खाना पीना सोना, बस सोते रहना और सीधा मगरिब में उठना और इफ्तारी को जाना। गैस ऐसा नहीं, चलो गैस अब फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो अल्लाह ताला का हम बहुत बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि 2 साल के बाद ऐसा मौका देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों में तरावी पढ़ाई जा रही है और कुरान की तिलावतें हो रही है। तो माशाल्लाह ये दिन बहुत बहुत मिस कर रहे थे 2 सालों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन वो दिने सो भूल जाना चाहिए यार पिछले सालों को। आज का दिन जो है अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। जो बैग जो दिख रहा है ना आपको वीडियो में, ये बैग बस ये एक टैब का बैग है। तो पहले टैब था हमारा, तो अब वो पूरा फुट को गया है तो उसे छोड़ते हैं। तो ये बैग कुरान कैरी करने के लिए अच्छा है, तो मैं आज से एक इरादा कर रहा हूँ, आप भी करो ऐसा इरादा कि मैं अब इसे वॉश करूंगा, अच्छे से धोऊंगा, धो के इसमें कुरान पाक रख के मस्जिद जाएंगे, वहाँ कुरान पढ़ेंगे मगरिब तक और हम सीधा घर आएंगे रात को तरावी के बाद। चलो यार बहुत 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 अच्छी काम है ना ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दिनों से हुआ था कि तहज्जुद भी नहीं पढ़े थे, तो कल मगर आज सुबह तहज्जुद भी 3 बजे उठ के पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी पढ़ो गाइस। और एक बात, आज व्लॉग स्टार्ट करने का तो थोड़ा सा भी मूड नहीं था, मैं सो गया था इतनी देर तक फजर की नमाज के लिए। हम अब तो फजर की नमाज इतने दिन में घर में पढ़ रहा था, तो आज से मैं एक इरादा लिया हूँ कि जो भी हो जाए मस्जिद जाके ही पढ़ूंगा नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अजान का मौका भी आज फजर की नमाज में मिला, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं, तो चलो ये बैग को फटाफट धोते हैं। देख सकते हो यहाँ पे पानी गिर रहा है और थोड़ा भिगा रहा हूँ उसे, जो मेरा बैग जो है थोड़ा बहुत भीगना चाहिए क्योंकि चलो ब्रश लगाते हैं, वैसे ऐसे गली जाने वाला नहीं है, ब्रश लगाते हैं सर तभी तो ख़त्म होगा। तो देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह धो भी ली है, तो चलो फटाफट इसे सूखने डालते हैं, सुखाते हैं और सुखा के तभी तो इसमें कुरान बैठ पाएगी वरना पूरा कुरान गीला हो जाएगा। तो चलो सुखाते हैं। देख सकते हो वैसे यहाँ पे मैं सूखने डाल चुका हूँ और ये देखिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी है क्योंकि ये बैग होता है ना, तो इसमें पानी ज़्यादा होता है, तो चलो सूखने छोड़। वैसे फ़िलहाल उसको तो डाल दिया हूँ उधर, तो अब हम भी नहाते हैं, फटाफट नहाते हैं और नहा धो के मिलता हूँ मस्जिद में, मिलता हूँ। जो एक ये जो डेट्स जो दिख रहे हैं ना गाइस सबको, ये क्राउन डेट्स है, तो इसका प्राइस है 120। स्पेशली मैं सहरी में खाने के लिए ये डेट्स कल रात को मैं तरावी के बाद लेकर आया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे डेट्स है, तो आप भी ले सकते हैं क्राउन डेट्स। और अगर लेना चाहते हैं तो ये शॉप का नाम भी बताऊँ, बस स्टैंड के सामने और बेंगलोर बेकरी, हमारे शहर के लोग बस जानते हैं, तो वहाँ जाके ले सकते हैं। 120 इसका प्राइस है, 110 में दे देगा तो डेट क्राउन है, तो जाके ले लो, बहुत अच्छे डेट्स हैं विथ सीड, विदाउट सीड नहीं। हो क्या है ना, बहुत दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो सब दिखाना पड़ रहा है व्लॉग में क्योंकि थोड़ा बहुत तो कंटेंट मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो, ये मैं बहुत दिन पहले ले लिया था, तो मैं दिखाया था नहीं आपको, तो दिखा रहा हूँ ये देखिए।
तो ये मेरे रूम में स्पेशली रहेगा। तो गाइस आप अल्लाह अकबर इतनी जोर से लगती ना भाई। तो गाइस हाथ धो के रेडी हो गए हैं, तो देख सकते हो आप जुब्बा डाला हूँ मैं, नीचे पैजाम डाला हूँ, तो ये भी सूख चुका है, तो इसमें फटाफट खुराने पाक को रखते हैं और रख के। अब तो फिलहाल घर में कोई नहीं, कोई तो आने वाला है अब, तो आने के बाद चलता है मस्जिद। वैसे फिलहाल इसमें कुरान पाक कैरी हो चुकी है अंदर, तो आपको मैं ये कुरान पाक मस्जिद में इसके बारे में डिटेल से बोलूँगा, तो आपके लिए बस। पकड़े गाइस आप देख सकते हो ये जो दिन है रमजान का, तीसरा दिन आज चल रहा है, तो आज मेरी वॉइस भी नहीं आ रही क्योंकि रोजा रहते हैं। तो देख सकते हो अब मैं फिलहाल मस्जिद में ही हूँ, देख सकते हो पीछे के साइड में इधर पूरा मस्जिद है। तो मैं दो दिन से वीडियो बराबर से नहीं बना पाया क्योंकि बहुत शोर मचरी थी, अभी भी पीछे आवाज़ आ रही है, फिर भी बना रहा हूँ। और गाइस मैं अब तो व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाता क्योंकि मुझे तबीयत एक टाइप ख़राब ऐसा लग रहा है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, मैं बस ये अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा एक दिन का पूरा, मगर मुझे थोड़ा बहुत थकान सी महसूस हो रही है और मस्जिद में बैठा रहता हूँ, तो सिर्फ मस्जिद में बैठा रहता हूँ पूरा दिन, तो मैं कहाँ भी बाहर जा नहीं पाता, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन का वीडियो बना नहीं पाता, दो तीन दिन का मिला के एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपके लिए फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। We'll be right back.